गुलीवर की विचित्र यात्रा। मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। जहाज पर नौकरी करते हुए मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जाते हुए हमारा जहाज तूफान में फंसकर चकनाचूर हो गया। सौभाग्य से मैं तैरकर किनारे पर आ गया और थककर वहीं लेट गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा पाया। मैं आश्चर्य में पड़ा सोच रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। ये एक मानव आकृति थी, छोटी सी, लगभग एक बालिश ऊंची। कुछ देर बाद उसी प्रकार के सैकड़ों प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वे लोग लुढ़कते लुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर उन लोगों ने मेरे ऊपर सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा आरंभ कर दी। मैं समझ गया कि चुपचाप लेटे रहने में ही भलाई है। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर बरसाना बंद कर दिया। उनमें से एक कुछ दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ हिलाकर उसे समझाने का प्रयत्न किया कि मैं उनकी भाषा नहीं समझता। फिर बार बार अपना हाथ मुंह की ओर ले जाकर मैंने इशारा किया कि मैं भूखा हूं। वो मेरा इशारा समझ गया। बस फिर क्या था, मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी गई और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने का सामान ला लाकर मेरे मुंह में उड़ेलने लगे। जब पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे मुंह में उड़ेल दिए। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि मेरा पेट है या कुआं। थोड़ी देर में ही मेरी पलकें भारी हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया। खड़खड़ खड़खड़ की आवाज से जब मेरी नींद टूटी तो ये देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की एक विशाल भीड़ हथियार लिए मेरे दाएं बाएं चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे कैद कर लिया गया है। मेरे वहां पहुंचते ही लिलीपुट वासियों की एक विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी। मेरे पहाड़ जैसे शरीर को देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। लिलीपुट के बादशाह ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर लिया। संभवतः राजधानी में यही एक ऐसा स्थान था जिसमें मैं झुककर घुस सकता था। शेष मकान तो खिलौने जैसे थे। जिस तरह वे लोग मेरे विशाल शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उसी प्रकार मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। यह देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वह मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वे सब गिरते पड़ते वहां से भागे। इस बात का उन लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने का काम सौंप दिया।
कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख मिचौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं आ जा नहीं सकूंगा और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलीपुट वासियों की सहायता करूंगा। कुछ दिनों बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्को के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्को की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी ना थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम ना थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्को के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्को के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलीपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वह एक उल्टी नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। वह नाव नहीं, मेरी आशाओं की ज्योति थी। कुछ दिनों बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में एक जहाज दिखाई दिया। यह देख मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा कि वह जहाज मेरे ही देश का था। जहाज के नाविकों ने मुझे ऊपर ले लिया।